बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पैथोमा में हम कार्डियक पैथोलॉजी जो कि सिस्टम चल रहे थे। आज जो हमारी टॉपिक्स हैं वो हैं सडन कार्डियक डेथ, कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सडन कार्डियक डेथ होता क्या है और इसकी क्या वजह है, इसकी एटियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसकी सिम्टम और इसकी काजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सडन डेथ कैसे होता है, और इसके बाद हम क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में, ये जो शॉर्ट टू टॉपिक्स हैं हम इसको इससे में डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। चलो हम लेट डिस्कस करते हैं कि सडन कार्डियक डेथ होता क्या है, किस वजह से। इसकी अगर हम शॉर्ट एब्रिवेशन की बात करें तो इसी SCDA के नाम से जाने जाते हैं कि ये सडन कार्डियक डेथ किस वजह से होता है। जो इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये अनएक्सपेक्टेड डेथ ड्यू टू कार्डियक डिजीज़, ये कि इसकी कोई भी सिम्टम और होता नहीं है, कि ये अनएक्सपेक्टेडली ये हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये इसमें मेन जो है इसकी कोई भी साइन नहीं होता, कोई भी सिम्टम नहीं होता। जब ये हो जाए आफ्टर 1 आवर्स ये अराइज होता है। ये मोस्टली जो कि इम्पोर्टेंस अगर इसकी किस वजह से होता है, इसकी फेटल वेंट्रिकुलर एरिथमिया, ठीक है, जो वेंट्रिकुलर में जो कि है इसमें एरिथमिया काज होता है, ठीक है, जिसमें एरिथमिया की वजह से इरेगुलर हार्ट बीट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑन द स्पॉट उस पेशेंट या उस जिस शख्स में जो होते हैं सडन कार्डियक डेथ हो जाता है ऑन द स्पॉट एरिथमिया की वजह से। इसकी अगर हम एटियोलॉजी की अगर हम बात करें, एटियोलॉजी की बात जो कि एक्यूट इस्कीमिया जो कि 90% इसकी जो वजह है ऑन द स्पॉट डेथ कार्डियक सडन डेथ की वजह क्या है, उस पेशेंट्स में 90% इस्कीमिया की वजह से, इस्कीमिया की वजह से उस पेशेंट में क्या होता है, वो क्यों होता है उस पेशेंट में इस्कीमिया, तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, ये इसमें ये जो कि हमारे वेंट्रिकुलर में जो कि हार्ट्स की वेन आर्टरीज में क्या होता है, ये बन जाते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें प्लग फॉर्मेशन ऑफ प्लग जो कि इसमें फैट की क्या एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड जो हमारी मायोकार्डियल मसल्स ऑफ हार्ट को जो चाहिए वो ना मिलने की वजह से इसमें एक्यूमुलेशन होता है फैट की, इसकी वजह से वो थ्रोम्बस बन जाते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो कहीं पे ये ब्लॉक करते, कहीं पे जाके वो आर्टरीज के वेंज के किसी साइड पे जाके वो क्या करते हैं, वो ब्लड को क्या करते हैं, ब्लॉक कर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से उस पेशेंट्स में ऑन द स्पॉट डेथ हो जाते हैं, उसको कहते हैं कार्डियक सडन डेथ। इसकी अगर हम काजेस की वजह बात करें तो इसकी मिट्रल वाल्स में जो कि उसकी मिट्रल वाल प्रोलेप्स हो जाते हैं, जो कि कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है, ठीक है, या कोकेन एब्यूज़, कोई भी पर्सन जो शख्स जो अगर एब्यूज़ हो, एडिक्ट हो, जो कि कोकेन यूज़ करते हो, अगर वो हद से ज़्यादा कोकेन यूज़ करे, इसकी वजह से भी क्या होता है, इसकी मिट्रल वाल प्रोलेप्स होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो ब्लड रिक्वायरमेंट होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, जो पंप के लिए हार्ट की, ठीक है, मायोकार्डियल के लिए चाहिए होता है, अगर वो ना मिलने की वजह से ऑन द स्पॉट उस बंदे की क्या होता है, डेथ हो जाता है, उसको कहते हैं वो डिजीज़ है सडन कार्डियक डेथ। सेकंड जो है डिजीज़ है हम बात करने जा रहे हैं वो है क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़। की क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ये क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होता क्या, ये जब हमारी इस्केमिक की वजह से, ठीक है, क्रोनिक इस्केमिक की वजह जो डैमेज होता है, क्या जो मायोकार्डियल जो मसल, ठीक है, हमारे हार्ट की वो फंक्शन करने से रह जाते हैं, इसमें डैमेज हो जाते हैं इस्केमिया की वजह से, उसको कहते हैं क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। जब मायोकार्डियल जो कि मसल ऑफ हार्ट की, ठीक है, जो जिसको ज़रूरत होती है जितने लिमिट्स में इसके मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, हार्ट के पंप के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, अगर वो नहीं पहुंच पाते इसको, इसकी वजह से जो इनिशियल में वो क्या हो जाते हैं, इस्कीमिक आस होते हैं, फिर वो क्रोनिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है, हार्ट की, इसकी वजह से इसमें, ठीक है, विथ और विदाउट इन्फेक्शन की के बगैर भी ये क्या होता है, काज कर देते हैं, हो जाते हैं इसमें, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ काज होता है, ठीक है। मोस्टली ये क्रोनिक की ही वजह से ये डिजीज़ काज होता है, जो कि लीड करता है, अगर ये किसी भी पेशेंट में क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ काज हो तो वो लीड करते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर्स,
जिस तरह हम मायोकार्डियल इन्फेक्शंस पढ़ा, तो इससे इसमें जो होता है वो उसी वजह से क्या होता है, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो एक डिजीज़ है वो कास होता है किसकी वजह से, उसी की वो जब क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जब होते हैं तो वो लीड करता है किसको, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स को। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कास होते हैं। इसमें ये थे जो कि हम पढ़े थे कार्डियक सिस्टम में। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स कैसे होता है और इसकी काजेस और इसकी सिम्टम और इसकी डिजीज़ के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।